चार पाँच छ सात। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिल सके, और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सारे भाई कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी भाई बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अपना पर पिटाई का। तो पर पिटाई हो रही है दोस्तों, थोड़ा अकेला हूँ आज, इसलिए थोड़ी वीडियो आपको ऐसी मिलेगी। लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बोला था कि चलते रहेंगे। इतना आप शौक करोगे पंछियों का, ये सारे फीमेल्स हैं, पर पिटाई हो रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने दाना वाना खिला के इनको रेडी कर दिया है। धूप निकल रही है अच्छी, दाना खिला के सारे रेडी हैं। अब जो है मैं इनकी पर पिटाई करूँगा, आपको लेके चलता हूँ कैसे इनकी पर पिटाई होगी स्टेप बाय स्टेप। आप बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे कि पहले हमने इनकी डिवॉर्मिंग की थी कबूतरों की, आपको पता होगा, और उसके बाद हमने इनकी जो है परों के कीड़ों के लिए दवाई लगाई थी कल, जैसे कि हमने आपको दिखाया था। आज हम इनकी पर पिटाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कबूतर हमारे उड़ाने के लिए रेडी हो रहे हैं सारे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होएगी। ये देखिए, ये पर निकल गया है, मैंने पर पहले काट दिए थे। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाकी पर ऐसे खींच जाएंगे इसके जैसे। ये देख रहे हैं आप, इजी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और ये दस। मैंने दस पर खींच दिए दोस्तों, एक साइड के देखो इनके जो है ना, मैंने दस पर खींच दिए हैं। अब जो है मैं दूसरी साइड के दस पर खींचूँगा। ये देखिए, मद्रासी फीमेल है मेरी, बड़ा इजी पर निकल रहा है। जो कटिंग वटिंग करी थी हमने, दो, तीन, चार, पाँच, छ, फिर से वही, सात, आठ, नौ, दस। तो दोस्तों, मैं इनके अभी दस दस पर खींच रहा हूँ, उसके बाद ये जो ये वाले जो पर है, ये मैं इनके पर जो है अभी आज से चार से पाँच दिन बाद ये पर खींचूँगा। थोड़ा सा एक साथ पर नहीं खींचते, और इनकी पूँछ है जो एरी मैंने कटिंग कर रखी है, ये भी जो है मैं चार से पाँच दिन बाद इनकी इनके पर ये खींचूँगा। तो दोस्तों, पर पिटाई का मौसम स्टार्ट है, और अब इसके साथ साथ क्या चलाना है, कैसा क्या है, ये मेरी वीडियो आप तक आएंगी सारी, उसमें आप देखना सारी चीज़ इनकी, जो मैं खिलाऊँगा, जो मैं लिक्विड वगैरह दूँगा, सारे मैं आपको दूँगा। इसी तरीके से वो करना है। और कुछ दोस्तों के सवाल थे कि जैसे कबूतर अभी नए परंत हुए हैं, उनके साथ क्या करना है। तो दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, वीडियो में बने रहे। सपोज दैट आप ये ले लो दोस्तों, ये मेरा एक कबूतर है पंजाबी, ये दस पर साफ हो रहा है, आप देखें जरा इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे इसने जो है ना, ये दसवीं पर गिरा रखा है इधर का, ये नोवा पर जो है इसका, ये पर आ रहा है, देख रहे हैं आप वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा, ये नोवा पर है, दसवां गिरा रखा है। और इस साइड जो है ना, ये नोवा पर, ये छोटा है इसका, देख लो ये आप, और दसवां पर गिराएगा अभी। तो ऐसे कबूतरों के लिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसको ना छेड़ें, कुछ भी ना करें, आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। ये दसवां पर ये जो है, ये एक दो दिन में खुद ही गिरा देगा, इसको आप ना छेड़ें, ये खुद ही गिरा देगा, और ये कबूतर आपको लेस मिलेगा, और पर झाड़ भी नहीं करेगा। जो नौवे और दसवें पर जिस कबूतरों के, जिनके पर अभी आ रहे हैं, झाड़ कर रहे हैं, नौवीं दसवीं बच गई है,
उन कबूतरों के पर जो है आप ना छेड़े, वो कबूतर गिरा के खुद ही अपना रेस्ट करके ले आएंगे, और पीछे के पर उनके बिल्कुल भी ना फड़े कोई से भी। अगर आपको ज़रा जल्दी ये लगता है कि ये लेट गिरा रहे, तो आपके जो लास्ट के एक दो पर रह रहे हैं जिसके, वो आप उखाड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन पीछे के जो पर लाया नए, वो बिल्कुल नहीं उखाड़ने हैं, वो और पूछ। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक कबूतर, जैसे मेरा जो ये मेरा कबूतर है दोस्तों, ये देखो लैस होकर खुद आ गया है, ये इसकी दसवीं पर है। तो दोस्तों जो दसवीं पर लिया है, पीछे से करके लाया है, आपको इसके जो ये पर है पीछे के, ठीक है, ये पर नहीं उखाड़ने हैं इसके, क्योंकि ये पर ये खुद झाड़ करके लेके आया है ना, ये कलर मैंने बाद में लगाया था तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये इस कबूतर को नहीं छेड़ना है आपको, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसको छोड़ देना, ये झाड़ नहीं करेगा, ये शौक करो ये पंजाबी कबूतर का। ऐसे ही दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, इसी तरीके से जैसे कि पूरी पेड़ के लिए। ये एक और हमारी मजाकी कबूतरी है, बने रहे वीडियो में देख लें आप एक बार। दोस्तों इसी के साथ भी वही करना है, इसके ये वाले पर जो है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और आप देखें जरा, आपको देखने लायक चीज़ है ये जो पीछे से पर ना, ये खुद लेती हुई लाई है, तो वो पर का ध्यान रखना जो पर आया, जैसे ये नौ, ठीक है जी, उसको छोड़ देना आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, ये पीछे का पर, ये नौवा पर नया लाई है, देख रहे हो आप दोस्तों, उसमें कलर भी नहीं है। और एक और ये पीछे से गिराती हुई ला रही है, देखो ये कली, ये रही, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इन परों का ध्यान रखना है, ये पर ना उखाड़े जाए जो पीछे के नए ले से लेके आई, एक पर देखो नया ये वाला, इन परों को ना उखाड़े, सावधानी से पर उखाड़े, ताकि आपका कबूतर अच्छा रेडी हो सके। तो दोस्तों अब इनका क्या खिलाना है, कैसा क्या है, ये सब मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा। आप फिलहाल चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें, उसके वजह से प्रेस करोगे ऑप्शंस आएंगे ऑल, और वो करके तो उसको ऑल पे कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आए करे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका प्यार की ज़रूरत है, सभी भाइयों को जो भी वीडियो बनाते हैं हम सबके लिए, आप लोग एक प्रेरणा है, एक अच्छी आप लोगों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो आप वीडियो को लाइक करे करे, शेयर करे करे, और सब्सक्राइब करे करे चैनल हमारे, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा, क्या ठीक है, क्या क्या चेंजेस करें, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं आपकी, क्या आपकी डिमांड है, हम आपके लिए हैं, आप हमारी फैमिली हैं, तो हमारी आपकी पूरा ध्यान रखना और आपकी डिमांड्स को पूरा करना हमारा फ़र्ज है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें करें, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर होते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, उतने लाइक नहीं होते, और जितने व्यू होते हैं उतने भी लाइक, और सब्सक्राइबर तो होते ही नहीं। तो जितने व्यू हो मैं चाहता हूँ उतने मेरे सब्सक्राइबर बने, और जितने व्यू हो उतने मेरे को लाइक मिले, ठीक है दोस्तों। और लाइक भी करा करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सभी को, जिसकी भी वीडियो आती है आप सबको जो है सपोर्ट करो दोस्तों। जैसे सपोर्ट करोगे तो ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आएगा नया, समझ रहे, उड़ान का सीज़न है आपके लिए। मैं बहुत सारे टॉपिक और लेके आने वाला हूँ, चराई के लिए, कबूतरों के लिए क्या चराएं, क्या इनको डालना है अपर खींचने के बाद, ये नेक्स्ट वीडियो में आ रहा दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं आपसे, आशा करता हूँ आप बने रहेंगे और आप बहुत प्यार देंगे मेरे को। आपका दोस्त निशार, पिजन क्लब दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। देखिए जरा मैं थोड़ा शौक कराता हूँ आपको, ये सारे हैं फीमेल्स और मेल्स अंदर है अभी,
ये सारे मेल रेडी हो रखे हैं दाना ना खा के। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।